हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रजनीस। ये वीडियो वैसे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो यूट्यूब पर बिल्कुल नए हैं, जिन्हें यूट्यूब के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक का सही प्रोसेस क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। सबसे पहले YouTube चैनल बनाने के लिए आपको एक ईमेल बनाना है, और ईमेल बनाने के बाद उस ईमेल्स के जरिए आपको YouTube चैनल बनाना है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे करना है, उसके बाद सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करना है, और अपने चैनल पे फोटो और कवर फोटो, जैसे कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो होता है और उसके बाद एक कवर फ़ोटो होता है, तो वो दोनों फ़ोटो सेट कैसे करना है, फिर चैनल का लोगो कैसे बनाना है, और वीडियो अपलोड कैसे करना है, फिर थंबनेल कैसे सेट करना है, उसके बाद थंबनेल सेट करने के बाद टैग कैसे लगाना है। वीडियो अपलोड करते टाइम टैग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो टैग को कैसे लगाना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ कि चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक का सही प्रोसेस क्या है। चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, YouTube पर अपना YouTube अकाउंट बनाने के लिए, अपना YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे पहले एक ईमेल बनाना होता है, क्योंकि ईमेल के जरिए ही YouTube पर अपना अकाउंट बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट बनाना होगा। तो मैं यहाँ जीमेल ऐप को यहाँ से ओपन करता हूँ। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ ऐड अनदर अकाउंट लिखा हुआ है, तो ऐड अनदर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। और ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गूगल का ऑप्शन है, तो आप गूगल पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पिन है या फिर जो आपका फिंगरप्रिंट है, आप यहाँ से लॉक ओपन कर देंगे। लॉक ओपन होने के बाद 5 से 10 सेकंड वेट करना है, और उसके बाद यहाँ से ईमेल अकाउंट बनाने का ऑप्शन दे रहा है, तो क्रिएट अकाउंट पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। और क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ से पूछेगा फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई एक बिजनेस, तो यहाँ से मैं फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ से वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख देता हूँ, RAJNISH रजनीश, और लास्ट नेम में मैं यहाँ से कुमार लिख देता हूँ, KUMAR। आपका जो भी टाइटल है आप अपना यहाँ पे टाइटल भर सकते हो। उसके बाद यहाँ से नीचे नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका बर्थडे पूछ रहा है, बर्थ डेट आपका क्या है, तो यहाँ से मैं अपना बर्थ डेट लिख देता हूँ 14, और यहाँ से मंथ में अपना डाल देता हूँ 12। और याद रहे, जो आपका ईयर पूछ रहा है तो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2000 भर देता हूँ। 2000 से 2020 तक तो 20 साल हुए, तो मैं यहाँ से 18 साल से ज़्यादा लिख देता हूँ, ताकि ईमेल अकाउंट मेरा अच्छा से बन जाए। और ईमेल अकाउंट आपका तभी अच्छा से वर्क करता है जब आपका उम्र 18 साल हो। तो 18 साल, हालांकि 18 साल बनाना बहुत अच्छा रहता है, तो 18 साल आप बना लेना। और यहाँ से जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में मैं अपना मेल भर देता हूँ। आपका जो भी फीमेल हो तो आप फीमेल भर देना, तो मैं यहाँ से मेल हूँ तो मैं यहाँ पर मेल भर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ ईमेल बनाने का यहाँ ऑप्शन देगा। आप जो भी अपना ईमेल लिखना चाहते हो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ अपना ईमेल, RAJNISH रजनीश, और जो कुछ भी आपको लिखना है, 4568968, जो भी आपको लिखना है आप यहां से लिख सकते हो। और उसके बाद यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपसे यहां पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा। आप जो भी यहां पे पासवर्ड बनाना चाहते हो, तो मैं यहां पे अपना पासवर्ड डाल देता हूं,
8767 4 5। जो भी आपका पासवर्ड है, जो भी आप यहाँ पासवर्ड बनाना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड कम से कम 8 से 9 अंक का डाल देता हूँ और यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना है। नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और नीचे में यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका ईमेल बन जाएगा और यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कुछ देर आपको वेट करना है और यहाँ चेक कर लेना है कि आपका ईमेल बना है या नहीं। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से अपना ईमेल चेक करता हूँ बना है या नहीं। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हो मेरा ईमेल बन चुका है, Rajnesh3459। यहाँ आप देख रहे हो मेरा ईमेल बन चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ कि इस ईमेल के जरिए आपको YouTube अकाउंट कैसे बनाना है। तो गाइस सेकेंड स्टेप में मैंने बताया है कि ईमेल के जरिए अपना YouTube चैनल कैसे बनाना है। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने ही फ़ोन में किया था लेकिन रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया, इसलिए मैंने दूसरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ कि चैनल कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने YouTube को ओपन करना है और जैसे ही आप YouTube पे क्लिक करोगे और YouTube को ओपन करोगे उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है उस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है जहाँ के लिखा हुआ है। आपका जो भी नाम होगा, जैसे रजनीश नाम होगा तो वहाँ आर लिखा रहेगा, तो यहाँ कुछ और नाम है इसलिए यहाँ के लिखा हुआ है। तो राइट साइड में सबसे ऊपर जो प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे ऊपर जो कामेश्वर शर्मा लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और यहाँ जो चैनल नहीं बना हुआ है उसी ईमेल पे क्लिक करना है। आप वहाँ देख रहे हो सबसे ऊपर चैनल बना हुआ है तो लिखा हुआ है नो सब्सक्राइबर और जो चैनल नहीं बना हुआ है वहाँ लिखा है नो चैनल। तो जो चैनल नहीं बना हुआ है उसी ईमेल पे क्लिक करना है। तो मैं उस ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला जो ईमेल है उससे मेरा चैनल नहीं बना हुआ है तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद राइट साइड में सबसे ऊपर फिर से उसी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ क्या करना है कि योर चैनल पे चले जाना है। आप यहाँ देख रहे हो योर चैनल लिखा हुआ है तो योर चैनल पे क्लिक करना है और यहाँ से नाम चेंज करना चाहो चैनल का तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करोगे आपका यूट्यूब चैनल बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप में मैं कुछ और बताने वाला हूँ, चलिए मिलते हैं अगले स्टेप में। गाइस ये थर्ड स्टेप है और थर्ड स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने नए चैनल को YouTube पे वेरीफाई कैसे करना है। तो चैनल को वेरीफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी आप अपने चैनल पर वीडियो डालोगे तो थंबनेल नहीं लगा पाओगे, थंबनेल लगाने के लिए ही चैनल को वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है और जैसे ही आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है उसके बाद क्या करना है कि जो आप यहाँ यूट्यूब ऐप देख रहे हो तो यहाँ यूट्यूब पे आपको क्लिक कर देना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि जो आपका चैनल है जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हो तो उसी चैनल को आपको लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ देख रहे हो राइट साइड में सबसे ऊपर मेरा चैनल लॉगिन है। तो उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपको 3 डॉट लाइन दिख रहा है तो 3 डॉट लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट लाइन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि इसे डेस्कटॉप साइट में चेंज कर देना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप साइट में चेंज कर देता हूँ और जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट में चेंज करते हो उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ अपने फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ बड़ा दिखाई दे। तो चलिए पहले फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं। तो अब मैं अपने फ़ोन को रोटेट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैनल को वेरीफाई कैसे करना है। उसके लिए राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है उस प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है कि नीचे की ओर आना है
और नीचे आने के बाद यहाँ से आप सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हो, तो सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ से फिर चैनल स्टेटस एंड फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स लिखा हुआ है, तो चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे आपको चले जाना है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देख रहे हो कि फीचर्स एलिजिबिलिटी पे आ चुका है, तो इस पे आने के बाद क्या करना है कि नीचे आना है और यहाँ आप देख रहे हो फीचर्स डेट रिक्वायर्ड फोन वेरिफिकेशन, तो इस पे आपको क्या करना है कि यहाँ देख रहे हो एरो का ऑप्शन है, तो एरो पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है कि नीचे की ओर आना है। नीचे आओगे तो आप यहाँ देख रहे हो वेरीफाई फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो वेरीफाई फ़ोन नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो क्या कोड आने के लिए पूछ रहा है, तो कोड के लिए आपको क्या करना है कि टेक्स्ट में द वेरिफिकेशन कोड पे ही इसे रहने देना है। और उसके बाद यहाँ से कंट्री, जो भी आपका कंट्री है वो आपका यहाँ कंट्री आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना नंबर दे देना है, तो मैं यहाँ अपना नंबर वेरीफाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ अपना नंबर वेरीफाई कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ से गेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। और आप यहाँ जैसे ही गेट कोड पे क्लिक करोगे आपका दिए हुए फ़ोन नंबर पे एक कोड आएगा, तो उस कोड को आपको यहाँ वेरीफाई कर देना है। तो आप यहाँ कोड देख रहे हो, मेरा कोड आ चुका है, तो मैं यहाँ कोड को वेरीफाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ कोड को अपना वेरीफाई कर देता हूँ 35 20 46। अब मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। और जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका चैनल यूट्यूब से वेरीफाई हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फोर्थ स्टेप में, तब तक के लिए फोर्थ स्टेप में मिलते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल पर दिखा देता हूँ कि सब्सक्राइबर मेरा शो हो रहा है, तो उसके लिए मैं अपने चैनल पर आपको जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ टेक रजनीश RJNISH टेक रजनीश। और आप यहाँ देख रहे हो कि सब्सक्राइबर अभी शो हो रहा है, तो अब मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, तो मैं यहाँ अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। और जैसे ही यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि यूट्यूब पे चले जाना है। तो आप यहाँ यूट्यूब पे चले जाएंगे। यूट्यूब पे जाने के बाद क्या करना है कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपको थ्री डॉट लाइन दिखाई दे रहा है, तो थ्री डॉट लाइन पर आपको क्लिक कर देना है और इसे डेस्कटॉप साइड में चेंज कर देना है। तो डेस्कटॉप साइड पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करोगे आपका जो फ़ोन है वो डेस्कटॉप मोड में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बहुत ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो अब मैं अपने फ़ोन को रोटेट कर लूँगा ताकि आपको सब कुछ बड़ा दिखाई दे। तो चलिए पहले फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपने फ़ोन को रोटेट कर लिया है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो मेरा प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो अब मैं अपने प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर आना है और नेक्स्ट स्टेप सेटिंग में चले जाना है। तो अब मैं यहाँ सेटिंग पर जाता हूँ। और जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे उसके बाद क्या करना है कि यहाँ ऊपर की ओर आना है, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे यहाँ क्लिक करता हूँ। और जैसे ही आप चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब यहाँ देख रहे हो कि सेटिंग खुल चुका है। अब यहाँ से क्या करना है
कि एडवांस सेटिंग में जाना है और यहाँ से इसे ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है। और यहाँ देख रहे हो सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है, चैनल में यहाँ से रहना है और एडवांस सेटिंग में जाना है। और यहाँ देख रहे हो कि सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है, तो ये चेक किया हुआ है, यहाँ टिक मारा हुआ है, तो इसे अनटिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इसे अनटिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो सब्सक्राइबर जो काउंट है वो अनटिक हो चुका है, और यहाँ से इसे सेव कर देना है। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपने चैनल पर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ सब्सक्राइबर हाइड हो चुका होगा, वहाँ सब्सक्राइबर आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का सब्सक्राइबर कैसे हाइड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्सक्राइबर हाइड हो चुका है। तो उसके लिए मैं अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ से सर्च करता हूँ टेक रजनीश, TECH, यहाँ से टेक रजनीश पे मैं जाता हूँ और यहाँ मैं अपने चैनल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ आप देख रहे हो मेरा सब्सक्राइबर हाइड हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगा फिफ्थ स्टेप में आपसे मिलता हूँ। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और फिफ्थ स्टेप में मिलते हैं। गाइस, ये स्टेप 5 है और स्टेप 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल पे प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगाएंगे। हालांकि आप अपने चैनल का लोगो भी बना सकते हैं। लोगो बनाने के लिए मैं आगे अपने अगले स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि अपने चैनल का लोगो कैसे बनाया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको सिखाऊँगा कि अपने चैनल का प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि अपने यूट्यूब को ओपन करना है, और YouTube ओपन करने के बाद क्या करना है कि जो भी आपका चैनल है उस चैनल को यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैंने अपना चैनल को पहले ही लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से क्या करना है कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपका छोटा सा एक चैनल का प्रोफाइल दिख रहा है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ अपने चैनल का प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया है। तो आप अगर अपने चैनल पर प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगाए होंगे तो वहाँ आपका प्रोफाइल फ़ोटो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मेरे चैनल पर प्रोफाइल फ़ोटो पहले से ही लगाया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अपने चैनल पर प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे ही आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से देख रहे हो कि मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा हुआ है। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको चले जाना है। यहाँ देख रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो आपका यहाँ प्रोफाइल दिख रहा है, जो यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेट प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। सेट प्रोफाइल फ़ोटो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ टेक फ़ोटो का ऑप्शन देता है और चूज फ़ोटो का ऑप्शन देता है। तो आप अगर फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक करके सेट कर सकते हो, नहीं तो आपका अगर गैलरी में पहले से फ़ोटो है तो वो फ़ोटो आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है कि चूज फ़ोटो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गैलरी सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अपना प्रोफाइल फ़ोटो कैसे सेट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो मैं यहाँ अपना प्रोफाइल फ़ोटो, जो भी मैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो भी आप फ़ोटो सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ से कर लेने के बाद यहाँ से जूम करना चाहो तो जूम भी कर सकते हो, और जूम करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे आपका चैनल का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो जाएगा। हालाँकि ये अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये शो हो जाता है। तो ये आपको प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो चुका है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हो ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो शो हो चुका है। तो ऐसे अपने चैनल का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करते हैं, या फिर नए हो तो आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। चलिए मिलते हैं अगले स्टेप में। तो गाइज़, ये स्टेप 6 है और स्टेप 6 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने चैनल का कवर फ़ोटो कैसे सेट करते हैं। तो चैनल पे कवर फ़ोटो सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और जैसे ही आपका फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है उसके बाद क्या करना है कि
यहाँ आप सामने YouTube देख रहे हो, YouTube लिखा हुआ है, तो उस YouTube पे आपको क्लिक कर देना है। YouTube पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर जो थ्री डॉट लाइन आप देख रहे हो, थ्री डॉट लाइन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करना है कि इसे डेस्कटॉप साइड में चेंज कर देना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप साइड में चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो अब जो कुछ भी अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ, ताकि आपको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो चलिए फ़ोन को रोटेट करते हैं। तो मैंने यहाँ अपने फ़ोन को रोटेट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो मेरा छोटा सा प्रोफाइल दिख रहा है, तो उस प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे की ओर आना है और यहाँ से आपको सेटिंग में चले जाना है। यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करना है कि नीचे की ओर आना है और यहाँ आप देख रहे हो प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ है चैनल स्टेटस एंड फीचर्स। तो आपको क्या करना है कि चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद क्या होता है कि एक नया प्रोफाइल आपके सामने खुलता है। और उसके बाद यहाँ से क्या कर देना है कि इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अपने चैनल का कवर फोटो सेट करने के लिए क्या करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये डॉलर के नीचे एक जो पिन टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि यहाँ आप देख रहे हो लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ब्रांडिंग पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ब्रांडिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट नीचे की ओर आना है। और यहाँ देख रहे हो कि कवर फोटो सेट करने के लिए आपका कवर फोटो आप जो बनाए होंगे पिक्सआर्ट में या कहीं भी आप बनाए होंगे, तो उसका साइज यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है 2048x1152, यानी कि उसकी साइज इतना होना चाहिए और फोटो कवर फोटो कम से कम 6 MB का होना चाहिए। तो अब क्या करना है कि यहाँ से अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करना है कि आपका जो भी कवर फोटो आप बनाए होंगे, उस कवर फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं अपने कवर फोटो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। और डन करने के बाद आप यहां से चेक कर लेना कि कवर फोटो सही तरीके से फिट बैठा है या नहीं। और आप यहां देख रहे हो कि मेरा कवर फोटो एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो अब मैं यहां से इसे डन कर देता हूं। और डन करने के बाद आप यहां से देखोगे कि यहां आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है कवर फोटो में, कि आपका लैपटॉप में कैसा दिखाई देगा, मॉनिटर में कैसा दिखाई देगा, फ़ोन में कैसा दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, आपका कवर फोटो चेंज हो, कवर फोटो मतलब कि आपके चैनल पे सेट हो जाएगा। गाइज, ये स्टेप 7 है और स्टेप 7 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने चैनल का लोगो कैसे बनाना है। तो लोगो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से पिक्सआर्ट ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और पिक्सआर्ट ऐप ओपन होने के बाद यहाँ से क्या करना है कि प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसे वाइट बैकग्राउंड रखूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे। और चलिए मैं यहाँ से अपने फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ बड़ा दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपने फ़ोन को रोटेट कर लिया है। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि अपने चैनल का लोगो बनाने के लिए कैसे लोगो बनाना चाहिए। तो जो भी आपका चैनल का नाम है, जैसे मेरे चैनल का नाम रजनीश कुमार है, तो मैं यहाँ से R और K लोगो बनाऊँगा। आपको भी अपने चैनल का लोगो ऐसा बनाना चाहिए ताकि आपके चैनल से मिलता जुलता लोगो हो, आपके चैनल के नाम से मिलता जुलता लोगो होना चाहिए। तो मेरे चैनल का नाम रजनीश कुमार है, तो मैं अपने चैनल का जो लोगो बनाऊंगा वो आर के लोगो बनाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि लोगो कैसे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले
पिक्सआर्ट ऐप में वाइट बैकग्राउंड चूज कर लेने के बाद यहाँ से टेक्स्ट ऐप टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और मैं आर के लोगो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से आर पे क्लिक कर देता हूँ। आर टाइप करने के बाद यहाँ से डन कर देना है और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ से क्या करना है कि यहाँ शैडो को बढ़ा करके देख लेना है, आप कम बेसी आप अपने अनुसार रख सकते हो। तो मैंने यहाँ देख लिया है कम बेसी करके, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपना रख सकते हो। अब मैं यहाँ से कलर को यहाँ से अपनी सेट यहाँ करके देखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहता है तो मत रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते हो। और यहाँ से कलर पे मैं यहाँ से अपने कलर को रेड रख देता हूँ और रेड कलर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे उल्टा कर देता हूँ ताकि लोगो एक प्रोफेशनल देखने में अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ से इसे उल्टा कर दिया है। उल्टा कर लेने के बाद अब मैं अपने चैनल का जो के सेट करने वाला हूँ, आर के मुझे लिखना है तो मैंने यहाँ आर बना लिया है, अब मैं के लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से इसे डन कर देते हैं और डन करने के बाद अब मैं यहाँ से के लिखने वाला हूँ। तो फिर से टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से के लिख देना है, तो मैंने यहाँ के टाइप कर दिया है। अब यहाँ से इसे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से फिर से आपको डन करना है और इसका अपॉर्चुनिटी जो शैडो है इसे कम बेसी अपना करके देख लेना है कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। जो आपको अच्छा लगता है आप वही सिलेक्ट करेंगे ताकि आप अपने अनुसार अपना लोगो बना सकें। किसी और का देखकर आपको नहीं बनाना है, नहीं तो आपका लोगो आपके अनुसार नहीं बन पाएगा, आपको देखने में शायद अच्छा भी ना लगे। तो स्ट्रोक को यहाँ से कम कर लेना है, तो मैंने इसे यहाँ स्ट्रोक को कम कर दिया है। अब मैं यहाँ से फिर से कलर को वही रख देता हूँ, रेड यहाँ कलर रख देना है, तो मैंने यहाँ रेड रख दिया है। अब मैं ऐसा इस पर सेटिंग करूँगा ताकि दोनों में एक दूसरे से मिल जाए और लोगो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसे इतना परफेक्ट बैठाने वाला हूँ ताकि बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठे और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने आर के लिख दिया है और लोगो बिल्कुल मैंने यहाँ सेट कर दिया है, लोगो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इरेज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से कुछ ऐसा मिटाना है इसमें ताकि लोगो आपका देखने में अच्छा लगे, तो मैं यहाँ से इरेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से फिर से आपको इरेज पे जाना है और इसे कम बेसी अपना करके देख लेना है, जितना भी बड़ा साइज रखना चाहते हो रख लेना है और फिर से यहाँ से जूम करना है। जूम करने के बाद जो आपको यहाँ लाइनिंग दिख रहा है तो इसे इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए यहाँ से सिंपल यहाँ से हल्का हल्का हल्के हाथों से इसे चला देना है। तो यहाँ से मैंने अपने
लोगों को इरेज कर लिया है। अब यहाँ से इसे डन कर देना है और फिर से यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपका लोगो, आपके चैनल का लोगो यहाँ रेडी हो चुका है। अब आप इस पे इफ़ेक्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके लिए यहाँ से क्या करना है कि नीचे की ओर जाना है, नीचे या फिर ऊपर, आप यहाँ देख रहे हो जहाँ भी आपका इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो इफ़ेक्ट में पे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। आप भी अपना, अपने चैनल के लोगों पे अपना इफ़ेक्ट डाल सकते हो, तो इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देना है। और जो भी आपका अच्छा इफ़ेक्ट लगे, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ अपना इफ़ेक्ट डालने के लिए यहाँ से चूज़ करता हूँ लोमो। तो आप यहाँ देख रहे हो लोमो में, लोमो पे इफेक्ट्स पे यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ से लोगो, लोमो में अमाउंट को कम कर देना है, फॉन्ट को हल्का बढ़ा कर देख लेना है और कंटेक्ट को भी आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो कम बेसी अपना करके देख सकते हो, जो भी आपका अच्छा लगे। भेजिनेट को भी आप यहाँ से कम बेसी करके देख सकते हो और यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ चूज कर लिया है, अब यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे चैनल का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है, चैनल का लोगो रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ से जो कुछ भी आप इस इफ़ेक्ट डालना चाहते हो, कट करना चाहते हो, क्रोम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो अब आप यही फ़ोटो जो मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि चैनल का जो प्रोफाइल फ़ोटो होता है, तो प्रोफाइल फ़ोटो पे आप ये लोगो अपना चिपका सकते हो, आपके चैनल का लोगो हो जाएगा। तो इसे ही चैनल का लोगो बोलते हैं। और चैनल, आशा करते हैं कि आपको लोगो समझ में आया होगा कि अपने चैनल का लोगो किस तरीके से बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टेप में, स्टेप 8 में। चलिए अगले स्टेप में मिलते हैं, बाय। तो गाइज ये स्टेप 8 है और स्टेप 8 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने चैनल का बैनर कैसे बनाते हैं। हालांकि बैनर बनाने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल बैनर कैसे बनाना है, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैनल कितने साइज, चैनल का जो बैनर है वो कितने साइज के अंदर बनाना है, ताकि आप जब अपना बैनर चैनल पर सेट करोगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेट हो जाए। तो चैनल का बैनर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि पिक्सल लैब ऐप जो आप यहां देख रहे हो, इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे सामने कुछ इस तरीके का फ्रंट आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं इस फ़ोन, पहले फ़ोन को रोटेट कर लेता हूं ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपने फ़ोन को रोटेट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैनल का बैनर कैसे बनाना है और कैसे उसमें हल्का एडिटिंग करना है ताकि आपका चैनल का बैनर एकदम बिल्कुल अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा बन पाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बैनर को कैसे एडिट करना है। सबसे पहले आप जैसे ही ओपन करोगे पिक्सल ऐप को, यहाँ आप देखोगे कि न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसे डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ देख रहे हो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ से ओके करोगे तो आपका टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से राइट साइड में सबसे ऊपर जो यहाँ 3 डॉट लाइन आप देख रहे हो, इस 3 डॉट लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है कि इमेज साइज लिखा हुआ है तो इमेज साइज पे आपको क्लिक कर देना है। और इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हो कस्टम लिखा हुआ है, तो कस्टम के राइट साइड में आप यहाँ देख रहे हो एक एरो का निशान है, तो एरो पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है कि यूट्यूब चैनल बैनर लिखा हुआ है तो यूट्यूब चैनल बैनर पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। इतना कर लेने के बाद क्या करना है इतना कर लेने के बाद यहाँ से क्या करना है कि ये शेप पे आपको जाना है
और यहाँ से फिर इस ये जो आप शेप देख रहे हो लिखा हुआ है, तो इस शेप पे आपको चले जाना है और इसे बड़ा कर देना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेट कर देना है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ से अपॉर्चुनिटी को यहाँ से 22 कर देना है, तो मैं यहाँ से इसे 22 कर देता हूँ। आपका जितना मर्जी हो उतना रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से ऊपर से डन पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ से आप देख रहे हो ऊपर प्लस का आइकन है, तो प्लस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर प्लस का आइकन है, तो प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फ्रॉम गैलरी, तो फ्रॉम गैलरी पे आपको चले जाना है। और जैसे आप फ्रॉम गैलरी पे जाओगे, फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद यहाँ से क्या करना है कि एक प्रोफेशनल बैनर आपको चूज करना है। प्रोफेशनल बैनर आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना चाहो तो आप प्रोफेशनल बैनर गूगल से या फिर क्रोम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक प्रोफेशनल बैनर यहाँ से चूज कर लेना है। हालांकि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसे चूज कर लेता हूँ। और चूज करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पे आना है। यहाँ आप रिलेटिव देख रहे हो, रिलेटिव साइज लिखा हुआ है, तो रिलेटिव साइज पे यहाँ से जाना है और यहाँ से इसे सॉल्व कर देना है। दोनों को सॉल्व करके यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद, डन क्लिक करने के बाद, सबसे ऊपर जो आप यहाँ ये जो कर्सर देख रहे हो, बुक साइज का मतलब कि स्क्वायर जो कर्सर स्क्वायर जो यहाँ दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। और इतना क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है कि दोनों को लॉक कर देना है। दोनों जो आपका वॉलपेपर है इसे लॉक कर देना है और फिर से यहाँ पे डन कर देना है। अब ऊपर में यहाँ से फिर से प्लस के आइकन पे जाना है, फिर यहाँ से फ्रॉम गैलरी में जाना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से इस बैनर को चूज कर लेना है। इस बैनर का मैं लिंक आपको दे दूंगा। इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इससे आपको साइज का पता चलेगा। इतना इस बैनर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ से फिर से रिलेटिव साइज पे जाना है। राइट साइड में जो रिलेटिव साइज लिखा हुआ है इस पे जाना है और यहाँ से दोनों साइज को एकदम परफेक्ट बैठा देना है, हाइट हो रहे, और यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ ऊपर जो स्क्वायर है उस पर यहाँ से क्लिक करना है और इसे भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद, इतना हो जाने के बाद, इसे अब यहाँ से क्या करना है कि अब अपना जो भी फोटो है आप यहाँ सेट करना चाहो। हालांकि आप यहाँ देख रहे हो पूरा स्क्रीन ये टीवी का स्क्रीन है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो यहाँ जो डेस्कटॉप मैक्स है, उसके बाद ये टैबलेट का स्क्रीन हो गया और ये हो गया आपका फ़ोन का स्क्रीन। और इसी स्क्रीन के बीच में ही आपको सेट करना है। जो भी आप यहाँ फ़ोटो सेट करोगे, जो भी आप यहाँ सेट करना चाहो सेट कर सकते हो। तो आप फ़ोटो सेट करने के लिए यहाँ से क्या करना है कि जो आप लिखना चाहो वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे ए यहाँ से कुछ लिखना है तो यहाँ से ए पे क्लिक करना है और यहाँ टेक्स्ट पे जाना है। और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से क्लिक कर देना है। हालांकि ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, टेक्स्ट पे आ गया है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसे मिटा देना है। और जो भी आपका चैनल का नाम है,
जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक रजनीश, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक RAJNISH टेक रजनीश, मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ। अब इसे मैं बिल्कुल छोटा कर दूँगा और यहाँ से बीच में इसे मैं सेट कर दूँगा। चलिए इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आप अगर फ़ोटो सेट करना चाहते हो तो फ़ोटो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ से फिर प्लस के आइकन पर जाना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है। जो कुछ भी आप फ़ोटो सेट करना चाहो, यहाँ से लाइट रूम का सेट करना चाहो PNG, तो यहाँ से फिर यहाँ से डन कर देना है और लाइट रूम का PNG यहाँ से शॉर्ट करके और यहाँ से सेट कर देना है। जितना आप छोटा करना चाहो इसे सेट कर सकते हो। हालांकि बैक में जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो उसे वो हट जाता है, बाद में हट जाएगा, आपका बैनर बिल्कुल एकदम सही बनेगा। फिर यहाँ से आपको प्लस के आइकन पर जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से पी कट के बारे में अगर आप बताते हो तो पी कट को भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है और इसे छोटा कर देना है। बिल्कुल छोटा करके और यहाँ इसे सेट कर देना है। ये सेट हो चुका है। अब आप अगर YouTube के बारे में बताते हो तो YouTube का भी PNG आपको यहाँ सेट कर देना है। तो अगर आप Facebook के बारे में बताते हो तो Facebook का भी यहाँ PNG सेट कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ शॉर्ट करके मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूँगा। फिर यहाँ से अगर आप स्नैपसीट के बारे में बताते हो तो स्नैपसीट का भी यहाँ से लोगो सेट कर सकते हो, अगर सेट करना चाहो तो। एडिटिंग के बारे में अगर आपका चैनल है तो ये सब आप सेट कर सकते हो। और इसमें आप जो भी कलाकारी अपना करना चाहो, जो भी आप एडिटिंग करके इसमें सेट करना चाहो, इतना ही दूर के, इतना ही यहाँ जो डेस्कटॉप मिनी एंड मोबाइल लिखा हुआ है, इतना ही दूर के बैनर में आपको सेट करना है। और यहाँ से इतना हो जाने के बाद यहाँ से क्या करना है कि इसे फिर से यहाँ से इस बैनर पे जाना है, जो आप स्क्वायर ऊपर देख रहे हो तो स्क्वायर पे जाना है। और उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि जो ये आपका बैनर था जिसे आप रखना नहीं चाहते उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। और डिलीट हो जाने के बाद यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बैनर आपका तैयार हो चुका है। अब इसे सेव कर देना है। तो सेव करने के लिए 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से स्पॉट इमेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी पे सेव कर देना है। अब आपका जो बैनर है वो तैयार हो चुका है। अब आप अगर इस बैनर को अपने चैनल पे सेट करोगे तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। तो गाइज ये स्टेप 9 है और स्टेप 9 में मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना चाहिए। किसी का भी आप वीडियो देखते होगे और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते होगे तो आप नीचे देखते होगे कि बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में कई सारे चीज़ लिखे हुए रहते हैं। हालांकि वीडियो अपलोड कर देने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए। उसके लिए मैंने पहले ही नोटबुक में नोट कर लिया है कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ से मैं अपने नोट्स को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन मैंने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर में लिखा जाता है टाइटल, और यहाँ लिख देना चाहिए जो आप टाइटल में जो भी आपका वीडियो से रिलेटेड टाइटल लिखना है वो टाइटल आप लिख सकते हो। हालांकि मेरा एडिटिंग चैनल है और एडिटिंग चैनल पर मैंने फेस स्मूथ के बारे में बताया है, फेस को क्लीन करने के लिए बताया है। तो टाइटल में मैंने लिख दिया है फेस स्मूथ एडिटिंग। उसके बाद यहाँ नीचे की ओर आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि लिखा हुआ है हाय आई एम रजनीश कुमार,
आपका जो भी नाम है आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखना है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, उसके बाद यहाँ से अपने चैनल का नाम लिख देना है, फिर यहाँ से लिखना है फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम लिखकर और यहाँ से लिंक दे सकते हो, अगर फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक का भी आप यहाँ से लिंक दे सकते हो। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको लिख देना चाहिए ताकि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ डिस्क्लेमर में लिखना है आपने वीडियो के बारे में, वीडियो में जो कुछ भी बताया है तो डिस्क्लेमर में वही चीज़ लिखा जाता है। तो डिस्क्लेमर में मैंने लिखा है हेलो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया है कि ऑटोडेस्क ऐप में फेस स्मूथ कैसे करते हैं। तो यहाँ डिस्क्लेमर में मेरा इतना कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ से कीवर्ड हो गया, कीवर्ड में लिख देना है फेस स्मूथ से रिलेटेड जितना भी लोग टाइप करते हैं, जितना भी लोग सर्च करके देखते हैं, जो भी टाइटल लिख के सर्च करते हैं, वो सारे चीज़ आपको यहाँ लिख देना है। अगर ये चीज़ आप लिख दोगे, हालांकि आप YouTube में जाकर सर्च मारोगे फेस स्मूथ, तो फेस स्मूथ से लिखा हुआ बहुत सारे टाइटल नीचे आपको आ जाएंगे, वही सब टाइटल आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ हो गया हैशटैग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो हैशटैग डालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हैशटैग में सबसे ऊपर अपने चैनल का नाम लिख देना है, हैशटैग रजनीश एडिटिस, इसमें कोई भी मतलब कि स्पेस नहीं होता है लिखने के लिए, स्पेस नहीं देना चाहिए। उसके बाद हैशटैग में आप जो भी डालना चाहो, पिक्स आर्ट एडिटिंग, हेयर एडिटिंग, उसके बाद ऑटोडेस्क एडिटिंग, स्नैप्स एडिटिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है, इसलिए हैशटैग में मैंने एडिटिंग से रिलेटेड ही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आ गया कॉपीराइट डिस्क्लेमर। तो कॉपीराइट डिस्क्लेमर में आप यहाँ देख रहे हो कि ये चीज़ हर यूट्यूबर, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा यूट्यूबर ये डालता है ताकि आप कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक से बचे रहोगे, लेकिन ये कुछ हद तक ही आपको बचाता है, हमेशा आपको ये नहीं बचाएगा, लेकिन ये चीज़ लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतना लिख देने के बाद आप ये टाइटल अपने वीडियो में अपलोड कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये आप समझ गए होगे कि ये टाइटल कैसे डिस्क्रिप्शन में, अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए। हालांकि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, ये वीडियो में मैंने बस आपको इतना बताया है कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। एक अलग वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, लिख करके बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखना है, किस वीडियो से रिलेटेड कैसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो सारे डिटेल में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले स्टेप में। तो गाइज़ ये स्टेप 10 है और स्टेप 10 में मैं आपको बता रहा हूँ कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपने पिक्स आर्ट ऐप को ओपन कर लेना है, और जैसे ही आपका पिक्स आर्ट ऐप ओपन होता है, इसे ओपन होने देते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि यहाँ नीचे आप देख रहे हो प्लस का आइकन है, तो प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो आप यहाँ देख रहे हो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है, और मैं अपना बैकग्राउंड वाइट ही रखना पसंद करूँगा। हालाँकि कई सारे कलर हैं, जो आपको कलर पसंद है वो उस कलर का बैकग्राउंड रख सकते हो, तो मैं अपना वाइट रखना चाहता हूँ, तो वाइट बैकग्राउंड मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है कि आप यहाँ देख रहे हो लेफ्ट साइड में ऑप्शन नीचे टूल्स का ऑप्शन है, तो टूल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो ऊपर क्रॉप का ऑप्शन है, तो क्रॉप पे आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इसे इतना शॉर्ट में आप इसे कट करके यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से क्या करना है कि आपका वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड है तो उसी तरह का आपका थंबनेल बनाना चाहिए। हालांकि मैं ये जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये जो पूरा वीडियो, इस वीडियो का जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ, तो थंबनेल इसका बनाने के लिए मैं ऐसा चीज़ लिखूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट पर जाता हूँ, आप नीचे देख रहे हो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट पर यहाँ से चले जाना है,
और टेक्स्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ CREATE क्रिएट चैनल टू UPLOAD अपलोड वीडियो, इतना मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ ब्लैक कर दिया है, इतना लिख दिया मैंने, यहाँ डन कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ऑल इन वन, यहाँ से डन कर देता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ इसे इसका कलर मैंने यहाँ चेंज कर दिया ऑल इन वन। अब अगर आप यहाँ YouTube का अगर फोटो लगाना चाहते हो PNG फोटो, तो यहाँ से इसे साइड करना है और यहाँ देख रहे हो ऐड फोटो का ऑप्शन है, तो ऐड फोटो पे चले जाना है और यहाँ से मैं अपना फिर से मैं यहाँ ऐड फोटो पे जाता हूँ और यहाँ से डाउनलोड पे मैं जाता हूँ। हालांकि आप जहाँ डाउनलोड किए होंगे PNG YouTube का, वो आप यहाँ से चाहो तो लगा सकते हो। तो मिल नहीं रहा है, हो सकता है स्क्रीनशॉट में होगा। तो स्क्रीनशॉट में मैं यहाँ से जाता हूँ नीचे नीचे की ओर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरा YouTube का ये लोगो मिल चुका है। अब मैं यहाँ इसे ऐड कर देता हूँ और YouTube पर यहाँ सेट कर देता हूँ, हो गया। इतना कर देने के बाद आप अगर थंबनेल में अगर आप डेट देना चाहते हो तो फिर से यहाँ टेक्स्ट पे जाना है और डेट डाल देना है, जो भी आपका डेट है वो डेट आप यहाँ से लिख सकते हो 10/5/21 जो कुछ भी डेट है। तो मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगा कब नहीं मुझे खुद अभी मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ हालाँकि आज का डेट डाल देता हूँ 13/5/21 और यहाँ से इसे वाइट ही रहने देते हैं। और यहाँ से शेडो में जाना है, शेडो पे इसका शेडो बढ़ा देना है। आप यहाँ देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये थंबनेल आपका बनकर तैयार हो गया। यहाँ से फिर क्या करना है कि यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ सेव का ऑप्शन है सबसे ऊपर डाउनलोड का, तो वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके और यहाँ से गैलरी में सेव कर सकते हो और यहाँ से डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद ये थंबनेल आपका तो इतना हो जाने के बाद आपका ये थंबनेल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थंबनेल आप देख रहे हो ये रेडी है। तो ये थंबनेल आपको तब लगाना है जब आप वीडियो अपलोड कर दोगे, उसके बाद YT स्टूडियो में जाना है, YT स्टूडियो में जाकर वहाँ से थंबनेल को सेट कर देना है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो अपलोड करने के बाद थंबनेल कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टेप में। गैस ये स्टेप 11 है और स्टेप 11 में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैग को कैसे खोजना है। अगर आपको वीडियो में टैग लगाना नहीं आता है, टैग आप लिख नहीं पाते हो या फिर खोज नहीं पाते हो कैसे कितना टैग लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च में आपको सर्च करना है रैपिड टैग्स RAPID TAGS रैपिड टैग्स लिख के और यहाँ से सर्च कर देना है। इतना सर्च करने के बाद यहाँ से क्या करना है कि सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है रैपिड टैग्स का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ देख रहे हो सामने लिखा हुआ है यूज टूल्स फॉर फ्री, तो यूज टूल्स फॉर फ्री पे ही आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से इसे सर्च होने देते हैं, कुछ टाइम रुक जाते हैं, इसे सर्च होने देते हैं। तो सर्च हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सर्च में आप यहाँ देख रहे हो इंटर योर नेक्स्ट YouTube वीडियो, तो इस पर आप यहाँ से सर्च पे टाइप करना है और यहाँ से लिख देना है जो भी जिस जो आपका वीडियो है उसी चीज़ से रिलेटेड ही
आपका टाइटल लिख देना है ताकि आपका टैग मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में मैं यहाँ से सर्च करता हूँ CREATE क्रिएट यूट्यूब CHANNEL चैनल और यहाँ से मैं इसे सर्च कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो ये टैग्स, बहुत सारे टैग आ चुका है, बहुत सारे टैग है। तो इस टैग को सिंपल क्या करना है कि यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ से क्या करना है कि इस बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में ही जाना है आपको। उसके बाद जिस पे आप यहाँ शेयर करना चाहते हो इस टैग को शेयर कर देना है ताकि आपका नोट रहे। आप यहाँ से फिर से कॉपी करके यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के बाद वहाँ टैग सेट कर सकते हो। तो इतना यहाँ से शेयर कर देना है, ये आपका सुरक्षित रहना चाहिए ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद आप टैग उसमें यूज़ कर सको। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि टैग कैसे खोजना है। मिलते हैं अगले स्टेप में। गाइज ये स्टेप 12 है और स्टेप 12 में मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। YouTube पर अपना वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि YouTube को ओपन कर देना है। और जैसे ही आपका YouTube ओपन होता है उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि आप नीचे देख रहे हो प्लस का आइकन है, तो प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद अगर आपका शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट वीडियो पर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, अगर आपका लॉन्ग वीडियो है तो लॉन्ग वीडियो पे अपलोड करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है अपलोड अ वीडियो, मेरा लॉन्ग वीडियो है, एक मिनट से ज़्यादा का वीडियो है इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो पे ही अपलोड करूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है अपलोड अ वीडियो, तो अपलोड अ वीडियो पर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मेरा जो भी वीडियो है वो सामने आ चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हो 2 मिनट 43 सेकंड का एक वीडियो है, तो इस वीडियो को मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो इसमें मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ। तो अपलोड करने के बाद अपलोड करने के लिए क्या करना है कि आप यहाँ देख रहे हो सबसे ऊपर नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो टाइटल में टाइटल लिखना है, तो जो भी आपका टाइटल लिखना चाहते हो आप टाइटल लिख सकते हो। हालांकि मेरा ये जो वीडियो है ये फेस स्मूथिंग का वीडियो है, फेस को साफ करने के लिए एडिटिंग का वीडियो है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ FSE फेस स्मूथ एडिटिंग। तो मैंने यहाँ टाइटल लिख दिया है। और यहाँ लिस्ट जो आप देख रहे हो इसे अनलिस्टेड रहने देना है ताकि आप बाद में आप चाहो तो YT स्टूडियो में जाकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन पूरा लिखकर वहाँ से डाल सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे वहाँ से डालना है। तो यहाँ से इसे अनलिस्टेड ही रहने देना है और उसके बाद यहाँ से इसे अपलोड कर देना है। यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, तो मैं नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और अगर आपका बच्चों के लिए वीडियो है तो यहाँ से आप लिख सकते हो यस इट्स मेड फॉर किड, नो इट्स मेड फॉर किड। अगर बच्चों के लिए नहीं है तो नो इट्स मेड फॉर किड। और एज रजिस्ट्रेशन है तो एज रजिस्ट्रेशन आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि अपलोड पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 5 से 10 मिनट का टाइम लगे, तो इतना लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा। तो वीडियो को अपलोड होने देते हैं, कुछ सेकंड वेट करते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ देख रहे हो कि वीडियो अपलोड हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ है योर वीडियो अपलोडेड कम्प्लीटेड। तो मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, अब मैं आपको ले चलता हूँ YT स्टूडियो में। तो यहाँ से मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूँ और आप यहाँ देख रहे हो कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इसमें क्या करना है कि आप इसी में आपका थंबनेल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ और टैग इसी में लगाया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, अब मैं इस वीडियो पे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। ये अनलिस्टेड है और अनलिस्टेड वीडियो कोई नहीं देखता है जब तक आप इसमें पूरा सेटिंग और करके पब्लिक नहीं करते हो। तो यहाँ से आप देख रहे हो सबसे ऊपर यहाँ पेन का ऑप्शन है, तो पेन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप देख रहे हो
फेस स्मूथ एडिटिंग, मैंने जो टाइटल लिखा था वीडियो अपलोड करते टाइम वो टाइटल यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखने के लिए आपको पिछले स्टेप में बताया था वही डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। अगर आपने कहीं पे लिख कर रखा हुआ है तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने लिख कर रखा हुआ है तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ नोट्स में, और नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पहले ही लिख कर रखा हुआ है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया है, अब मैं यहाँ से वाइट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन ये हो चुका है। और टाइटल आप देख रहे हो, टाइटल सेम लिखना है, जो आपका यहाँ टाइटल है वही टाइटल यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ से क्या करना है कि अगर आप प्लेलिस्ट बना कर रखे हो, जैसे मैंने यहाँ बनाया है माय ऑल वीडियो स्नैपशीट बैकग्राउंड कलर चेंज, तो जिसमें आप टिक करके करना चाहो वहाँ से आप टिक करके यहाँ डन कर दो। और उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि टैग, जो आप यहाँ टैग देख रहे हो, तो टैग मैंने आपको टैग वहाँ ढूँढ कर बताया था, टैग मैंने आपको दिखाया था कि टैग कैसे खोजना है। वही टैग अगर आप उससे रिलेटेड आपका वीडियो है तो वही टैग आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन करके लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, टैग अपने मन से यहाँ पे लिखूँगा, हालांकि मैंने खोज कर रखा हुआ नहीं है तो मैं अपना मन से यहाँ लिख देता हूँ, फेस स्मूथ एडिटिंग पिक्स आर्ट एडिटिंग स्नैपशीट बैकग्राउंड चेंज, बहुत सारा आप यहां से 10 से 15 टैग यहां पे आप लिख सकते हो। और उसके बाद यहां से क्या करना है कि फिर से यहां पेन के ऑप्शन पे जाना है, और अगर आप थंबनेल सेट करना चाहते हो तो आप यहां से थंबनेल सेट कर सकते हो। अगर आपका थंबनेल सेट करना हो तो, हालांकि जो आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ थंबनेल बनाया था, तो इस थंबनेल को हालांकि मैं यहां सेट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो तो कुछ और का है, इसलिए मैं यहां से बैक करता हूं और फिर से यहां थंबनेल मैं चूज करता हूं जो भी मैं यहां, तो मैंने यहां इसे थंबनेल, मान लो कि यही मुझे थंबनेल सेट करना है, तो थंबनेल सेलेक्ट करके यहां से सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद फाइनल वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ से जो अनलिस्टेड है तो यहाँ से इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से पब्लिक पे करके, और फिर यहाँ से बैक जाना है, और यहाँ से आप सेव कर देना है। और जैसे ही आप सेव करोगे आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड हुआ है नहीं, तो उसके लिए फिर से यहाँ से क्या करना है कि यूट्यूब पर आना है और अपने चैनल पर जाना है। और चैनल पर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप यहाँ देख रहे हो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपका वीडियो YouTube पे अपलोड किया जाता है। और थंबनेल लगाने के लिए भी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए भी मैंने आपको बता दिया, टैग लगाने के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से अपना एक फाइनल वीडियो अपलोड किया जाता है। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।